हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूज ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर करके कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स लोगों को कि डिटेल एंड ब्लीच में क्या अंतर होती है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि डिटेन क्या है एंड ब्लीच क्या है एंड दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ्रेंड्स, डिटेन क्या है पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। ये जो हमारा डिटेन पैक होता है, इससे हमारे जो भी स्किन पे सन टैन होती है, किचन की फ्यूल होती है, या फिर किसी भी कारण हमारे फेस पे टैनिंग बहुत ज़्यादा आ गई है या डस्टी बहुत ज़्यादा स्किन हो गई है, तो डिटेन क्या करता है, हमारे स्किन को क्लीन करता है, टैन को रिमूव करता है एंड नॉर्मल नेचुरल सा एक ग्लो देता है फेस के ऊपर। एंड ब्लीच क्या होता है, ब्लीच क्या है फ्रेंड्स, ब्लीच बिल्कुल डिफरेंट है। लोग डिटेन को सोचते हैं डिटेन भी करा सकते हैं एंड ब्लीच भी डिटेन का ही वर्क करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेन बिल्कुल अलग है एंड ब्लीच बिल्कुल अलग है। अब ब्लीच हमारे फेस पे क्या वर्क करता है, एक तो ब्लीच का सबसे पहला काम है जो हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स हैं उसको गोल्डन ब्राउन करना। जो हमारे स्किन का कलर है, जो ब्लीच से क्या होता है कि जो हमारे स्किन का कलर है और हमारे जो फेस पे बाल होते हैं वो स्किन के कलर में कर देता है, मतलब गोल्डन ब्राउन कर देता है। इससे क्या होता है कि अगर जिनके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं वो फेशियल हेयर्स हाइड हो जाते हैं, मतलब गोल्डन हो जाते हैं, वो हटते नहीं हैं बट इतना है कि वो गोल्डन हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। तो ब्लीच एंड डिटेन का यही फ़र्क होता है कि ब्लीच हमारे बालों को गोल्डन ब्राउन करता है एंड डिटेन केवल नेचुरली आपके फेस से टैनिंग हटाकर ग्लो लाता है। ब्लीच से भी ग्लो आता है, ब्लीच से भी काफ़ी अच्छी टैनिंग हटती है, लेकिन उसके साथ ही आपके जो फेस के जो हेयर्स हैं वो भी आपके ब्राउन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट सब क्लियर हो चुके होंगे कि डिटेन एंड ब्लीच में क्या अंतर है। अच्छा, कई बार लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आता है, अक्सर करके लोग हम मुझसे पूछते हैं क्या मैम डिटेन एंड ब्लीच दोनों साथ करा सकते हैं? तो जी यस, बिल्कुल आप डिटेन एंड ब्लीच दोनों ही एक साथ करा सकते हैं। बट अगर आपको दोनों एक साथ कराना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। अगर आपको डिटेन एंड ब्लीच एक साथ यूज करना है तो सबसे पहले आप ब्लीच यूज करेंगे, देन उसके बाद आप डिटेन यूज करेंगे। उसका भी एक कारण है, क्या होता है कि जब हम फेस पे ब्लीच अप्लाई करते हैं तो ब्लीच हमारे स्किन में थोड़ा सा हीटिंग देता है, इचिंग करता है। तो जब हम ब्लीच अप्लाई करने के बाद भी नेचुरली आप देखते होंगे कि आजकल छोटे जो पैक आते हैं उसमें भी प्री एंड पोस्ट ब्लीच देते हैं, मतलब पहले क्लींज करिए उसके बाद ब्लीच लगाइए उसके बाद आप पैक लगा लीजिए, तो सेम आप वैसे कर सकते हैं। पहले आप लोगों को अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, फिर ब्लीच आपको लगानी है। ब्लीच लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने फेस पे फेस पैक लगा कर ना लगा कर आपको डिटेन अप्लाई करना है। डिटेन को 20 मिनट्स रखना है, 5 मिनट का मसाज करना है, देन उसके बाद रिमूव कर सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है क्या डिटेन ब्लीच को यूज करने के बाद हम फेशियल या क्लीनअप करा सकते हैं? तो यस, बिल्कुल सही बात है, आप डिटेन ब्लीच के बाद आप फेशियल या क्लीनअप 100% करा सकते हैं, 100% ये सेफ होता है। बट करने वाले के भी ऊपर है कि वो किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये बहुत सारी प्रोसीजर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।